हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वहीं बात करते हो टाटा आईपीएल 2023 का 29वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग वर्सेस सनराइज हैदराबाद के बीच। यह मुकाबला 21 अप्रैल फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को शाम 7:30 बजे यानी कि 7:30 PM पर दोनों ही टीमों के बीच यह हाई वोल्टेज मुकाबला चेन्नई सुपर किंग के होम ग्राउंड पर एमएस चिदंबरम स्टेडियम चेपाक में भिड़ंत होने जा रही है। तो वही फ्रेंड्स बात कर तो चेन्नई सुपर किंग की टीम ने हालांकि कुल अब तक 5 मुकाबले भी खेल चुके हैं, जिसमें कि 3 मुकाबले में जीत हासिल कर पाए हैं, तो वही 2 मुकाबले में हार का भी सामना करना पड़ा है। तो वही फ्रेंड्स बात करें पॉइंट टेबल की, तो हालांकि चेन्नई सुपर किंग की टीम 6वें नंबर पर है। तो वही बात की जाए अब सनराइज हैदराबाद की टीम ने हालांकि अब तक 5 मुकाबले भी खेल चुके हैं, जिसमें कि 2 मुकाबले में जीत हासिल कर पाई है, तो वही 3 मुकाबले में हार का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन वही पॉइंट टेबल के स्थान पर 9वें नंबर पर है। वही फ्रेंड्स बात करने वाले हैं पिच रिपोर्ट्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, व्हाट टीम प्लेइंग 11, मैच प्रोडक्शन की, कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। लेकिन फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स बात की जाए पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो चेन्नई सुपर किंग वर्सेस सनराइज हैदराबाद की टीम अब तक हालांकि दोनों टीमों के बीच कुल 18 मुकाबले में आमना सामना हुआ है, जिसमें कि चेन्नई सुपर किंग की टीम ने 13 मुकाबले में जीत हासिल कर पाई है, तो वही 5 मुकाबले में हार का भी सामना करना पड़ा है। तो वही फ्रेंड्स बात की जाए अब सनराइज हैदराबाद की टीम ने हालांकि कुल 5 ही मुकाबले में जीत हासिल कर पाई है और 13 मुकाबले में हार का भी सामना करना पड़ा है। यह है फ्रेंड्स दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड, यानी कि आंकड़े देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग की टीम काफी ही ज्यादा है। तो वही फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट्स की, तो एमएच चिदंबरम स्टेडियम की पिच स्पिनरों के लिए भी काफी मददगार मानी जाती है। यहां पर टॉस जीतकर सभी टीम पहले गेंदबाजी ही करना चाहती हैं, क्योंकि रन का पीछा करने वाली टीम का जीत का प्रतिशत स्कोर भी काफी बेहतर है। हालांकि बल्लेबाजी के शुरुआत में यहां रन बनाना भी काफी मुश्किल माना जाता है। तो ये फ्रेंड्स पिच रिपोर्ट्स। अब बात की जाए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की, तो चेन्नई सुपर किंग वर्सेस सनराइज हैदराबाद के बीच यह मुकाबला 21 अप्रैल को शाम 7:30 बजे यानी कि 7:30 PM पर चेन्नई के होम ग्राउंड पर यह दोनों टीमों की भिड़ंत होने जा रही है। तो ये फ्रेंड्स बात कर लेते हैं पहले सनराइज हैदराबाद की प्लेइंग 11 की, तो पहले नंबर पर कप्तान एडन मार्करम है, तो दूसरे नंबर पर बल्लेबाज माइक अग्रवाल है, तो तीसरे नंबर पर बल्लेबाज हैरी ब्रूक है, तो चौथे नंबर पर राहुल त्रिपाठी बल्लेबाज है, वही 5वें नंबर पर अभिषेक शर्मा है, तो 6वें नंबर पर हेनरी क्लासेन विकेट कीपर है। तो ये फ्रेंड्स अब बात की जाए 7वें नंबर पर, तो हालांकि वाशिंगटन सुंदर या उमरान मलिक को किसी एक टीम में सनराइज हैदराबाद शामिल करेगी। तो ये बात की जाए अब 8वें नंबर पर मयंक मार्कंडे है, 9वें नंबर पर मार्को जॉनसन है, तो 11वें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार है, तो 10वें नंबर की हालांकि बात नहीं हुई, तो 10वें नंबर पर टी नटराजन है। यह है फ्रेंड्स सनराइज हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11 जो कि चेन्नई सुपर किंग के सामने भिड़ंत करने जाएगी। वही फ्रेंड्स बात करें तो आप चेन्नई सुपर किंग की संभावित प्लेइंग 11, तो पहले नंबर पर एमएस धोनी कप्तान प्लस विकेट कीपर है, तो दूसरे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ है, तो तीसरे नंबर पर डेविन कॉनवे है, चौथे नंबर पर अजिंक्य रहाणे है, तो 5वें नंबर पर मोइन अली है, हालांकि मोइन अली बॉलर और स्पिनर है बैटमैन भी, तो 6वें नंबर पर अंबती रायडू है, 7वें नंबर पर शिवम दुबे है, तो 8वें नंबर पर रविंद्र जडेजा स्पिनर बॉलर है और बैटमैन भी है, तो 9वें नंबर पर मतीसा पथिराना है, तो 10वें नंबर पर महेश तीक्षण है,
तो एक ग्यारहवे नंबर पर तुषार देशपांडे है। यह फ्रेंड्स दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 जो कि आईपीएल का 29वां मुकाबला 21 अप्रैल को शाम 7:30 बजे चेन्नई के होम ग्राउंड एमएस चिदंबरम स्टेडियम चेपाक में दोनों टीमों की भिड़ंत होने जा रही है। तो ये फ्रेंड्स अब बात करें मैच प्रिडक्शन की। हालांकि ये मैच है फ्रेंड्स कुछ कहा भी नहीं जा सकता कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी, लेकिन फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन सी टीम जीतेगी। वहीं फ्रेंड्स बात करें जाए तो हालांकि इसमें ज्यादा चांस ऐसा आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग की टीम को जीतने के भी ज्यादा चांसेस हैं और इसका होम ग्राउंड पर भी यह मुकाबला खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।